हेलो एवरीवन, सो इन आर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिले. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. सो लेट्स रीड इट. इफ फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री बॉक्सेस कंटेनिंग थ्री वाइट एंड वन ब्लैक बॉल, two white and two black ball and one white and three black balls, one is drawn at random, then the probability that two white and one black ball will be drawn. Means we have three boxes. Okay. In one box we have two white and one black, and in second two white and two black, and in third one white and three black balls are present. So what the question wants from us, कि हमें ये बताना है कि दो ऐसे मतलब कितनी probability होगी अगर हम three balls को drawn करें, मतलब three balls को हर एक packet में से निकालें और एक packet में से एक ball निकाली हमने, दूसरे packet से दूसरी ball निकाली and third packet से थ्री बॉल्स एक बॉल निकाली. हर एक पैकेट से अगर हम एक बॉल निकाल रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि उन तीन बॉल में से कोई भी दो बॉल वाइट होंगी और एक बॉल ब्लैक होगी. तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तीन सिनेरियोज हमारे पास हो सकते हैं. फर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? वन ब्लैक बॉल, वन वाइट एंड वाइट. तीसरा क्या हो सकता है? पहली बॉल वाइट आ जाए, दूसरी ब्लैक आ जाए एंड थर्ड भी वाइट आ जाए. थर्ड क्या हो सकता है? पहली वाइट आए, दूसरी भी वाइट आए और थर्ड ब्लैक आ जाए. तो ये थ्री सिनेरियोज हमारे पास हो सकते हैं. नाउ अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहले बॉक्स से हमारी ब्लैक बॉल निकली होगी. तो टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हैं? थ्री वाइट है हमारे पास एंड वन ब्लैक है, तो टोटल हमारे पास फोर है. तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? ब्लैक टोटल कितनी है? वन है एंड टोटल कितनी है? फाइव. नाउ वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये बॉक्स वन के बारे में बात हो रही है. ओके, बॉक्स वन के बारे में बात हो रही है. दिस इज बॉक्स वन, दिस इज बॉक्स टू एंड दिस इज बॉक्स थ्री. नाउ वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वाइट टोटल कितनी बॉल्स है? थ्री एंड टोटल कितनी है? फोर. नाउ वॉट अबाउट बॉक्स टू? बॉक्स टू में हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी होगी. ब्लैक की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी पहले? टू अपॉन फोर, दैट इज वन अपॉन टू, क्योंकि टोटल ब्लैक बॉल्स टू हैं एंड टोटल बॉल्स हमारे पास फोर है. ना वाइट के लिए टू वाइट बॉल्स हैं एंड फोर टोटल बॉल्स है, दैट इज वन अपॉन टू. नाउ व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड बॉक्स, थर्ड बॉक्स में से क्या होगा? वन वाइट है, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वन अपॉन फोर. एंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? थ्री अपॉन फोर. अब हम सबकी प्रोबेबिलिटी इन तीन सिनेरियोज में पुट कर देंगे. मींस फर्स्ट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ब्लैक है एंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है? फर्स्ट बॉक्स में वन अपॉन फोर. एंड सेकंड में वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है? वन अपॉन टू. एंड थर्ड में वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है? वन अपॉन फोर. नाउ प्लस फर्स्ट में वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी? थ्री अपॉन फोर. एंड ब्लैक की वन अपॉन टू. एंड देन थर्ड में वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है? वन अपॉन फोर. ये कैसे हो रहा है? ब्लैक बॉल हमने फर्स्ट बॉक्स से ड्रॉन की है, देन सेकंड बॉक्स से वाइट बॉल, देन थर्ड बॉक्स से वाइट. ये केस एक तो हो सकता है, या फिर ये केस हो सकता है कि हमने जो पहले बॉक्स से बॉल निकाली है वो वाइट हो, सेकंड से जो निकाली है वो ब्लैक हो एंड थर्ड से जो निकाली है वो वाइट हो. एंड थर्ड क्या हो सकता है कि पहले बॉक्स से जो बॉल निकाली है वो वाइट हो, सेकंड से जो बॉल निकाली है वो वाइट हो एंड थर्ड से जो निकाली है वो ब्लैक हो. ओके, नाउ वाइट की क्या है? सॉरी, थ्री अपॉन फोर, वन अपॉन टू एंड थ्री अपॉन फोर. कैलकुलेट करते हैं. वन अपॉन थर्टी टू, थ्री अपॉन थर्टी टू एंड नाइन अपॉन थर्टी टू. ओके, एंड दैट इज थर्टीन अपॉन थर्टी टू.
आर आंसर इज 13/32। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा प्रोबेबिलिटी का। इजी क्वेश्चन है, हमारे पास 3 बॉक्सेस थे और हमसे बोला था हर एक बॉक्स से, हमने हर एक बॉक्स से एक एक बॉल निकाली है रिस्पेक्टिवली। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन दोनों में से 2 वाइट बॉल होंगी एंड 1 ब्लैक बॉल होगी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ लॉगरिथम, लॉग का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमें? लॉग का है एंड लिमिट का क्वेश्चन है ये। हमसे क्या पूछा है? इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू जीरो, मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, व्हाट वैल्यू मे बी असाइन टू एफ एट एक्स इक्वल टू जीरो सो दैट इट इज कॉन्टिन्यूस। लॉग 1 प्लस ए एक्स, मतलब एक्स की जीरो वैल्यू पे ये डिफाइंड नहीं है, माइनस लॉग 1 माइनस। अब हम क्या करेंगे, अगर लिमिट का क्वेश्चन है तो हम इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ओके, कैसे? लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स। नाउ 1 प्लस ए एक्स का क्या होगा? ए इंटू 1। ऐसे ही होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, 1 अपॉन 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 का 0 माइनस बी एक्स, सॉरी बी एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। हमने हमारे टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया है, न्यूमिरेटर का रिस्पेक्टिवली डिफ्रेंशिएशन होता है एंड डिनोमिनेटर का रिस्पेक्टिवली डिफ्रेंशिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे लॉग एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। तो हमने यहाँ पे लॉग 1 प्लस ए एक्स था, अब 1 प्लस ए एक्स का चेन रूल से फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, जिसमें 1 की वैल्यू 0 होगी एंड ए एक्स की ए इंटू एक्स की वैल्यू 1। नाउ न्यूमिरेटर में x है, x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? a 1 प्लस ए एक्स एंड लिमिट हमारी साथ में चल रही है x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस बी एक्स इंटू बी। ओके, नाउ लिमिट पुट कर देंगे हमारी, हमें लिमिट उस स्टेज पे जाके पुट करते हैं ताकि हमारे पास कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू ना आए। अब अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ आएगा 1 अप ए अपॉन 1, यहाँ आएगा बी अपॉन 1, दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू पे ये कॉन्टिन्यूस होगा। वॉट वैल्यू टू बी असाइन टू एफ एट एक्स इक्वल टू जीरो सो दैट इट इज कंटिन्यूस। तो ए प्लस बी हम अगर असाइन करेंगे तो ये कंटिन्यूस होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें फंक्शन दिया है जो हमें बताया है कि किस कैसे ये फंक्शन डिफाइन किस पे है, बी द फंक्शन डिफाइन। ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब हमसे रेंज पूछी है, तो रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को पहले y की उसमें लिख लेते हैं, तो मैंने एफ एक्स के प्लेस पे y लिख लिया। ओके, अब मैं फंक्शन मेरा ये देखो x के फॉर्म में है, फंक्शन मुझे x में दिया हुआ है, मेरा पहला मोटिव है पहले मैं इस x के फंक्शन को y में चेंज कर दूं, तभी मेरा रेंज फाइंड होगा। रेंज क्या होता है? वो वैल्यूज जिस पे मेरा x डिफाइंड है। ओके, अब मुझे इसको फंक्शन को y में कन्वर्ट करना है। ओके, कैसे करेंगे? मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस 4 प्लस 1, 5 को मैंने 4 प्लस 1 में ब्रेक कर लिया, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको ब्रैकेट में ले लूँ एंड प्लस 1। अब आपको पता चलेगा कि मैंने ब्रेक क्यों किया था, क्योंकि ये मेरा होल स्क्वायर बन रहा है, x माइनस 2 का ये होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, प्लस 1। नाउ क्या हो जाएगा, अगर मैं इस 1 को इधर ले आऊँ, y माइनस 1 एंड दैट विल बिकम x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड अब ये स्क्वायर इधर अंडर रूट आ जाएगा y माइनस 1 एंड हेयर इज x माइनस 2 एंड इट विल बिकम 2 प्लस रूट y माइनस 1 इक्वल टू x। हम फंक्शन को y की फॉर्म में ले आए हैं, पहले फंक्शन मेरे पास x की फॉर्म में था, अब मैं फंक्शन y की फॉर्म में ले आई हूँ, अब सिंपली मैं वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। कैसे? मेरा जो रूट में वैल्यू है y माइनस 1, x का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा, 2 प्लस में जाएगा, राइट?
अब मेरा जो लिमिटेशन है वो किस पे लगी हुई है, मैं ऐसी कौन सी वैल्यू वाई की पुट करूँ जिस पे मेरा एक्स डिफाइंड हो, वो मेरी रेंज कहलाएगी। अगर मैं वाई की वैल्यू -1 पुट कर दूँ, अगर मैं वाई की वैल्यू -1 पुट कर दूँ तो इट विल बिकम -2 रूट में, -2 रूट में, दैट इज अनडिफाइंड। तो मुझे ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है वाई की जिस पे मेरा एक्स डिफाइंड हो। तो ये केस कब होगा, जब मेरा वाई -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। इट मीन्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, मीन्स 1 क्या होगा, वाई क्या होगा, मान लो ये नंबर लाइन है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, मेरा वाई क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, राइट। तो मेरा इसका रेंज क्या हो जाएगा, 1 से इनफाइनाइट, आंसर इज 2, 1 से इनफाइनाइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। सिंपली मुझे पहले फंक्शन को वाई में चेंज करना है, वाई में चेंज करने के बाद मुझे एक ऐसी वैल्यू फाइंड, जैसे हम डोमेन फाइंड करते हैं कि एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पे मेरा वाई डिफाइंड है, वो रेंज डोमेन हो जाता है। सिमिलरली हम उसमें क्या करते हैं, हम ऐसी कौन सी वैल्यू है वाई की जिस पे मेरा एक्स डिफाइंड है, वो मेरा रेंज हो जाता है। ओके, तो मेरा रेंज क्या आ गया, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अब ये क्वेश्चन तो वैसे ज़्यादा टफ है नहीं, इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इन तीनों के बीच का, वो मुझे सिर्फ एक लर्न करना होता है, दैट इज अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाई हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। अगर आप इस रिलेशन को लर्न कर लेंगे तो ये क्वेश्चन 2 मिनट्स का भी नहीं है, मतलब विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। कैसे, सिंपल इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। हार्मोनिक मीन की वैल्यू 125 दिया है, सॉरी ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन की, एंड हार्मोनिक मीन मैंने एक्स लेट कर लिया क्योंकि मुझे फाइंड करना है, एंड ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर तो 60 into 60। नाउ एक्स इक्वल्स टू 60 into 60 upon 125। नाउ सिंपल कैलकुलेशन, 5 to 10, 5 5 ज़ा 512, 5 5 ज़ा 512, दैट इज 144/5, दैट इज 28.8। आंसर थर्ड इज करेक्ट। विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। अगर आप ये रिलेशन याद नहीं करते हैं तो हम सिंपल फिर क्या करना पड़ेगा, हमें अरिथमेटिक मीन का करना पड़ेगा, मीन्स ए प्लस बी बाई टू, देन ज्योमेट्रिक मीन का करना पड़ेगा रूट ए बी, एंड देन सिमिलरली 2ab ए प्लस बी हार्मोनिक मीन का लिखना होगा, और यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना होगा, और उसके बाद हमें हार्मोनिक मीन में ए प्लस, इन दोनों रिलेशन से ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हार्मोनिक मीन में ए प्लस बी का वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसीलिए हमें ये रिलेशनशिप याद कर लेंगे अगर हम, तो बहुत इजीली हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक लेट ए दिया हुआ है, दैट इज 1, 2, 3, एंड कंसिडर द रिलेशन। रिलेशनशिप क्या दिया है, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3। ओके, अब हमसे पूछा है कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें ये तो दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो ये है, क्योंकि हमारे पास, मैं एक बार तीनों बता देती हूँ। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जब ए का रिलेशन, ए का रिलेशन ए से ही शो कर रहा है, मीन्स 1, 2। ओके, सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी मेरे आर में नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है कि बी कॉमा ए हो ही, लेकिन अगर ए कॉमा बी मेरे रिलेशन में दिया हुआ है तो इट इज़ कंपल्सरी टू केस बी कॉमा ए भी मेरे रिलेशन में हो, तभी सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर,
देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हुए होंगे, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। ओके नाउ क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक बार मैं स्लाइड क्लियर करती हूँ ताकि इजीली हम कर पाए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें ये दिख रहा है कि ए का ए से रिलेशन तो है ही, क्योंकि 1,1 भी है, 2,2 भी है एंड 3,3 भी है। थ्री एलिमेंट्स है और तीनों एलिमेंट्स का खुद से खुद का रिलेशन अवेलेबल है। बट 1,2 गिविन है, 1,2 गिविन है, बट 2,1 गिविन नहीं है, राइट? तो ये सिमेट्रिक तो है ही नहीं, सिमेट्रिक तो ये है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक। फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, और कुछ चेक करने की नीड ही नहीं है, हमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिल गया, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके,